इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंदू घाटी सभ्यता जो है हमारी, उसको हम और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहते हैं क्योंकि ये हमारी सिंधु रिवर के जो घाटी होती है, जो हमारी वैली होती है, उसके साथ साथ बनी हुई है। जहां जहां हमारी सिंधु नदी निकल के हिमालय से और पाकिस्तान से होती हुई जा रही है, वो पूरा का पूरा जो रास्ता कवर किया है, उस पूरे रास्ते पे सिंधु घाटी के अलोंग विद दिस इंडस वैली, अलोंग विद द फ्लो ऑफ द इंडस रिवर, हमने जब एक्सकेवेशन किए, हमने जब खुदाई करी, तो हमें पता चला कि वहां पे हमेशा से ही सभ्यता मौजूद थी। इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट साइट है जो एक्सकेवेशन में, जो खुदाई में हम लोगों को प्राप्त हुई। ये जो सिविलाइजेशन है, ये हमारी पूरे वर्ल्ड की अर्लीएस्ट सिविलाइजेशंस यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, विच इंक्लूड्स मिस्र की सभ्यता यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या फिर शांग सिविलाइजेशन यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन, इसे हम शांग सभ्यता या शांग सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अगर हम इसको मैप में मार्क करते हैं तो मैप में ये हमारे इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इंडिया के ये हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाई जाती है। क्लियर हो गया? हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स रहे हैं। यानी कि अगर इसमें हमें 10 या 12 साइट मिली हैं, तो वो 12 में से 10 हमारे गांव रहे और 2 हमारे शहर थे। वो शहर कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये हमें कैसे पता चला? जब हमने खुदाई करी तो हमने इसमें बड़ी बड़ी ग्रैनरीज या बड़े बड़े हम लोगों ने स्टोर सेंटर्स या बड़े शहर देखे, पूरी अर्बन टाउन प्लानिंग देखी, सड़कें देखी, नालियां देखी, सब घर मिले हमें, बड़े घर मिले, छोटे घर मिले, बहुत सारी चीजें हमें मिली। तो हमने उसमें बाकी के घरों से, जब बाकी की साइट से उसे कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि यहां पे ये दोनों थोड़े ज्यादा बड़े हैं बाकी सारी साइटों से। तो हमने ये ऐसा माना कि शायद ये दोनों हमारे सेंटर रहे होंगे, ये दोनों हमारे शहर रहे होंगे और बाकी के आसपास की तहसीलें या गांव टाइप की होंगी। क्लियर हो गया? यस सर। ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसकी खोज करी हमारी जॉन मार्शल ने, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंग्रेजों के समय के डायरेक्टर थे और इनके साथी थे RD बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद रोपड़ एक साइट मिली, चंडीगढ़ में लोथल एक साइट मिली,
अहमदाबाद में, कालीबंगन एक साइट मिली, राजस्थान में, चान्हू दारो एक साइट मिली सिंध में, धोलावीरा एक साइट मिली कच्छ में, गुजरात में, बानावली एक साइट मिली हमें हिसार में, हरियाणा में एक जगह है हिसार, वहां पे और सुतकागेनदोर, एक साइट मिली हमें मकरन कोस्ट पाकिस्तान में। क्लियर? लिखो फटाफट से, शहरों के नाम नोट करो। ठीक है, जब इसकी शोध करा गया और देखा गया कि ये कितना पुराना हो सकता है, तो एक्सकेवेशन के बाद जब इसका पूरा प्रोसीजर निकाला, प्रोक्योरमेंट किया गया, तो पता चला कि इट कैन बी डेट बैक टू 2600 BCE से 1900 BCE तक की हो सकती है ये। ठीक, इसके हमने तीन फेजेस देखे। पहला फेज था अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा फेज था मैच्योर हड़प्पन फेज, और तीसरा फेज था लेट हड़प्पन फेज। अर्ली में अर्बन लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे ये, मैच्योर में शहरी विकास, शहरी जीवन आरंभ हो गया। और लेट में धीरे धीरे इनका खात्मा होना शुरू हो गया, ग्रेजुअल डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक, अगर हम अर्ली फेज माने तो अर्ली फेज हमारा सपोजिटली 3300 BCE टू 2800 BCE मान लो, मैच्योर फेज हमारा चला समवॉट अराउंड 2600 BCE से टिल आई गेस 1700 मान लो,
और लेटर हमारा चला 1700 से 1300। क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बात पूछनी थी, अर्ली 2800 में खत्म हुआ तो ये मतलब 2600, तो मतलब गैप था बीच में या फिर एकदम से शुरू हो गया था, मतलब ग्रेजुअल गैप? ट्रांजिशन चल रहा है बीच में। जैसे मैंने भी अभी तुम लोगों को यहाँ पे जो बताया है लेट हरप्पन में भी, ये 1700 से 1300 तक मैंने पूरा खात्मा मान लिया है। वैसे तो इनको 1 साल लगा था पूरा खत्म होने में, क्योंकि इनका सडन डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, तो इसको तुम चाहो तो 1700 से 1600 ही कर दो। तो डेट जो है हमारी, ये बड़ी वैरी करती हैं बुक्स टू बुक्स, ऑथर्स टू ऑथर्स। जैसा कि हिस्ट्री में मैं तुम लोगों को पहले भी ये वाली बात बता चुका हूं। ओके सर। हमें एक आइडिया लेना है कि उस आइडिया के उस समय के दौरान हमारे पास कौन सा फेज चल रहा था। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि अर्ली के बाद एकदम मैच्योर आ गया था या फिर मतलब अर्ली खत्म हुआ फिर कुछ साल ऐसे फिर उसके बाद मैच्योर आया। मतलब अर्ली जब खत्म होगा तभी देखो मैच्योर आएगा, और मैच्योर तब माना जाएगा जब ये मान लो सपोज करते हैं कि मैंने अर्ली फेज में कोई व्हीकल बनाया, तो मैं उसके पार्ट्स डेवलप कर रहा हूं, उसका इंजन डेवलप कर रहा हूं, उसकी बॉडी डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं उसे चलाने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उसके पीछे हमारी कौन सी एनर्जी यूज होगी जो हमारे इंजन को चलाएगी। तो ये मैं अभी अर्ली फेज में हूं, लेकिन जब मैंने उसके टायर्स वगैरह को एक एक जगह असेंबल कर दिया, और असेंबल करके मैंने उसमें पहले पेट्रोल से चलाया, फिर डीजल से चलाया, फिर इलेक्ट्रिक से चलाया, तो अब मैं मैच्योर फेज में आ गया। यस सर। समझे? और अब मेरे पास फॉसिल फ्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं, तो अब मैं लेट फेज में आ गया हूं। अब मैं स्कूटर चला ही नहीं पाऊंगा। यस सर। क्लियर हो गया सबको? प्रीति समझ में आ गया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, वही सभ्यता हमारी और भी चीजों को लेके, मतलब और भी जो सभ्यताएं हैं उनके साथ कॉमन है कुछ चीजों में। और वो कुछ चीजें मैं तुम लोगों को गला फाड़ फाड़ के कई बार चिल्ला के बता चुका हूं कि वो कुछ चीजों में सबसे पहली जो हमारे पास जो कॉमन चीज है वो है नदियों की घाटियां। तो चाहे हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो जो हमारी टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे है, इजिप्शियन हो जो नाइल के किनारे है, या शांग सिविलाइजेशन हो जो वांग हो नदी के तट पे मौजूद होती है, वो हमारी सारी की सारी यही कहलाती है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम देख लेते हैं कि ये हमारी कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो अगर मैं बात करता हूं हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर नॉर्थ में जाओगे तो ये हमारी मांडा नाम की एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। नॉर्थ में ये वहां तक फैली है, और अगर साउथ में चले जाओगे तो साउथ में ये हमारी दैमाबाद तक मौजूद थी महाराष्ट्र में। दैमाबाद मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में ही मार्क कराया है। अगर ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में यूपी में एक जगह है अलमगीरपुर। तो पूर्व में ये हमारे वहां तक थी, और अगर बात करोगे पश्चिम में तो पश्चिम में यानी कि वेस्ट में ये हमारी मकरन कोस्ट तक मौजूद थी। इतनी बड़ी सभ्यता ये
फैली हुई थी हमारी। क्लियर? यस सर। यस अब अगर मैं शहरों की बात करूं या देशों की बात करता हूं तो ये हमारा अफगानिस्तान में भी मौजूद था, सिंध में मौजूद थी, जम्मू में मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है, राजस्थान में मौजूद है, पंजाब तो पूरा का पूरा इसी से कवर्ड है, हमारे काठियावाड़ रीजन में है और गुजरात में भी है। काठियावाड़ सुना है कहां पे है? काठियावाड़ सुना है कभी कहां पे है? काठियावाड़ तो सुना तो है, कच्छ के पास है। कच्छ और काठियावाड़ वही नीचे हमारे पूरे पेनिनसुलर एरिया से। ठीक है, अब सबसे पहले मैप निकालो फटाफट से। कितना लिख दिया क्या मैंने? ठीक है, मैप निकाल लिया? यस सर, निकाल लिया। अब सबसे पहले इसमें इंडस नदी को मार्क करो। इंडस नदी जो है हमारी वो हमारी हिमालय से उत्पन्न होती है, तो सपोज करते हैं हम कि वो हमारी इस जगह से कहीं से उत्पन्न होती है, चाइना वाले पार्ट से, नेपाल से तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहां से हमारी थोड़ी सी ऊपर जाती है इस तरीके से और अलोंग द लाइंस यहां से। यहां जाती है, और यहां से वापस फिर सीधे नीचे आती है पूरे पाकिस्तान के बीचों बीच में से। और गुजरात के पास यहां पे
समुद्र मंथन हो जाता है इस जगह। मार्क कर लिया? कर लिया सर। ठीक है, ये है हमारी इंडस रिवर। अब सबसे पहले मार्क करो हड़प्पा। ये हमारा पंजाब है, पंजाब के आगे लाहौर आएगा, लाहौर से नीचे है हमारा हड़प्पा। इस जगह कुछ कुछ मान सकते हैं हम। ठीक है, और यहां पे कुछ कुछ है हमारा मोहनजोदाड़ो। और ये है हमारा लोथल। ये नोट कर लिए ना एरियाज। यस सर, कर लिए। ये है हमारा मोहनजोदारो और ये है हमारा लोथल। ठीक है, यह है हमारा दिल्ली, यह है हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यह है हमारा चंडीगढ़, तो यह होगा हमारा रोपड़।
ठीक है। सर। ये है हमारा काली बंगन। ठीक है, तो अभी इतना करते हैं फिलहाल। इस मैप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये मैप सेव रखना अपने पास, क्योंकि हड़प्पन साइट्स अगर हमें देखें सर ये जो तो काली बंगन है ये राजस्थान की मतलब अंदर है या बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर मतलब। बाहर 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 पाकिस्तान की साइड। अच्छा ठीक है पाकिस्तान में है ना सर ये। हाँ हाँ पाकिस्तान की साइड है। नहीं रुको, सुनो, काली बंगन पाकिस्तान में नहीं है, राजस्थान ये तो राजस्थान में है ना। यस सर। रुको 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 रुको, एक सेकेंड, ये काली बंगन नहीं है, ये तो हमारी इम्पोर्टेंट वाली जो मेजर साइट है ना, संधना वाला है ये। संधना वाला, ठीक है। रोपड़ से थोड़ा सा नीचे इस तरफ राजस्थान के, यहां हमारा कालीबंगन है, नॉर्थ राजस्थान। उसके थोड़ा सा नीचे बनावली है, उसके नीचे राखीगढ़ी है, और उसके बाद यूपी में आलमगीरपुर है। ये चाहो तो मार्क कर लो। ये है हमारा राखीगढ़ी, रुको एक सेकेंड, राखीगढ़ी भी हमारा हिसार में था ना। यहाँ है इसमें, अभी बेटर है। ये है हमारा आलमगीरपुर, ये है हमारा राखीगढ़ी, ये है हमारा बनावली, और ये है हमारा कालीबंगन।
ठीक है सर। अभी बेटर? यस सर। ठीक है। मोहनजोदाड़ो के जस्ट इंडस नदी के नेक्स्ट यहां पे है हमारा कोट दीजिए। हाँ उसके नीचे यहाँ पे है सिंध। और उसके बाद यहाँ पे है चान्हुदारो। दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है। और जहां पे पाकिस्तान बिल्कुल इस जगह जाके एंड होता है हमारा इंडस वैली के थोड़ा मतलब जहाँ पे ये मिल रही है उससे थोड़ा सा ऊपर इस कोने पे ये कोना है हमारा एकदम एज है ये बेटा पाकिस्तान का ना। जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हम लोग दोनों लगाएंगे ये है हमारा का जन्म। नोट कर लिया? यस सर कर लिया। यस सर। इस जगह हमारा ये एरिया है हमारा मांडा जम्मू कश्मीर वाला। ये एरिया है हमारा दैमाबाद। धोलावीरा माँ किया हम लोगों ने? अभी नहीं किया ना? नहीं सर अभी नहीं किया।
ये है हमारा धोला बीरा। और ये है हमारा सुर को ताड़ा। अभी क्या रह गया है? अभी आमरी रह गया है ना। यस सर। आमरी अभी हमारा बालाकोट में है, इंडस वैली के वेस्ट में। मोहनजोदाड़ो के नीचे इस जगह। अब इसमें से एक चीज रिमूव करनी पड़ेगी, या तो सिंध रिमूव करना पड़ेगा। सिंध करते हैं रुको, वरना आमरी में कंफ्यूजन होगा। ये है हमारा आमरी और ये है हमारा सिंध। ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, सुतकागेनदोर हो गया, आमरी हो गया, चानुदारो हो गया ना। यस सर हो गया। ये रहा चानुदारो। हाँ सर। ठीक है, कालीबंगन हो गया, कोटदिजी हो यस सर। गया, रंगपुर हुआ, नो सर। रंगपुर लोथल के नीचे है। ये रहा लोथल, ये रहा रंगपुर। ठीक है, रंगपुर हो गया, रोपड़ हो गया, सुरकोताड़ा हो गया, लोथल हो गया, अलमगीरपुर हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, बालाकोट और धोलावीरा। बालाकोट नहीं हुआ ना, बालाकोट हमारा जस्ट अमरी के नीचे है, जस्ट अमरी के नीचे। मतलब अगर ये अमरी है, ये है, तो ये जस्ट लगा हुआ बालाकोट है। छोटा सा जगह हो तो मार्क कर लो, मेरे में तो है ही नहीं है। दिव्या कहाँ गई?